डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये तकरीबन हर इदारे का और हर गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग होता है. गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या सोच रही है और लोग गवर्नमेंट के हवाले से क्या ख्याल रखते हैं. तो आई थिंक एज अ ब्रिज वी वर्क बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. एचआर है जो डीजीपीआर में काम करती है, वो इसको इंश्योर करती है, मालूमात की बरवक्त फराहमी को इंश्योर करती है. टाइफाइड, पोलियो, एड्स या पॉपुलेशन कंट्रोल या और भी जितने मैटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम पे दे सकते हैं. बाय बर्थ वीमेन आर एम्पावर्ड. हमारा मीडिया बहुत ही, अब तो मुझे लगता है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बिकॉज वी सी हेल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन. खवातीन को आगे आना चाहिए और अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं तो उनका एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आप पब्लिक सेक्टर में आके कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा आवान. नाज़रीन, DGPR एक ऐसा इदारा है जो आवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है. हुकूमत क्या पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रही है शहरों के फलाह बहबूद के लिए, ये सब जो है आपको बताता है DGPR, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है हुकूमत के बारे में. तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल DGPR समन राय. आइए उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल है इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाना और कितनी चैलेंजिंग जॉब है ये. तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जो बताएं कि DGPR के डायरेक्टर जनरल होने की हैसियत से मीडिया में ख्वातीन की नुमाइंदगी को कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे. आई थिंक दिस इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन. हम सबको मालूमात की बहुत ज़रूरत होती है और मालूमात तो एक मालूमात है जिसके लिए आपको ऐसा जेंडर की रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन आई थिंक व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान आई थिंक इट इज़ लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको वीमेन ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं और जो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है तो उनकी आवाम के अंदर और ख़ासतौर पे वीमेन तक उसकी इन्फॉर्मेशन तो जाना बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक जो हमारा मीडिया है बहुत ही, अब तो मुझे लगता है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बिकॉज वी सी हेल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन टर्म्स ऑफ वीमेन एज स्टाफ वर्किंग इन टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ वीमेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. DGPR की अब डायरेक्टर जनरल है, उसकी कोर फंक्शंस क्या है? आई थिंक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये तकरीबन हर इदारे का और हर गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग होता है जिसका, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है कि पब्लिक के साथ रिलेशंस. जी. सो आपने इस डोमेन के अंदर रह के अपनी सारी वर्किंग करनी होती है. सो गवर्नमेंट का लोगों के साथ रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या सोच रही है और लोग गवर्नमेंट के हवाले से क्या ख्याल रखते हैं. तो आई थिंक एज अ ब्रिज वी वर्क बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो सबसे ज़्यादा तो मुश्किल यही काम है कि लोगों को अपनी पॉजिटिविटी दिखाई जाए और जो उनके नेगेटिव कमेंट्स हैं उसे ख़त्म किया जाए. कितना चैलेंजिंग है ये काम? आई थिंक दिस इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन और अब जब से सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं कम अज़ कम हमारी वर्किंग बहुत आसान हो गई है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट पोजेज अ चैलेंज बिकॉज सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ब्लेसिंग भी है बट डबल एट सोर्ड की तरह इट कैन बी वेरी ट्रिकी एट टाइम्स. तो आई थिंक गवर्नमेंट की साइड से जो गवर्नमेंट सोचती है लोगों के लिए उन सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस हम करते हैं प्रिंट, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए. और पूरी जो HR है जो DGPR में काम करती है वो इसको इंश्योर करती है, मालूमात की बरवक्त फराहमी को इंश्योर करती है. और आई थिंक सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन का टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट DGPR इज़ परफॉर्मिंग. हम जब देखते हैं कि किसी भी इदारे की तरक्की है, उसने ऊपर जाना है तो उसके एक आवाम के उसके इमेज बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एक मतलब ट्रस्ट लेवल जो आप कहते हैं कि वो इंक्रीज होना चाहिए. क्या देखती हैं कि आवाम के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहिए किसी भी इदारे की तरक्की के लिए? आई थिंक परसेप्शन मैनेजमेंट तो एक नेक्स्ट स्टेप है. द फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट अ बॉन्ड एज फार एज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, बिकॉज हर इदारा किसी मैंडेट के तहत काम कर रहा होता है और वन वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आवाम से रिलेटेड भी होता है. तो आई थिंक एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं तो आप जो भी काम करते हैं और उसमें जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनका आवाम तक जाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिकॉज पीपल कैन ऑल्सो राइट कॉमेंट्स. इट्स लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीजन्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर वर्किंग इन टू और वो कम्युनिकेशन बहुत मीनिंगफुल है. और आई थिंक एक तो सर्विस डिलीवरी में बहुत हेल्प मिलती है और सेकेंडली आप देखें कि जैसे टाइफाइड, पोलियो, एड्स
या पॉपुलेशन कंट्रोल या और भी जितने मैटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम पे दे सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट आपकी नज़र में क्या है? आई थिंक बाई बर्थ वीमेन आर एम्पावर्ड माशाल्लाह, और उसको कंपेयर तो हम नहीं कर सकते नेचुरली किसी दूसरे जेंडर के साथ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये एक कल्चरल और सोशल नॉर्म बनती जा रही है टू से प्रॉबेबली दैट वीमेन आर नॉट एम्पावर्ड। अब आप खुद को देख लें, जैसे मैं खुद काम कर रही हूँ, तो आई थिंक इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन, अपब्रिंगिंग, आई थिंक पेरेंटल जो सपोर्ट होती है, जो आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है, एंड देन आफ्टर मैरिज जो आपके हस्बैंड की सपोर्ट है या बाकी एक्सटेंडेड फैमिली की सपोर्ट होती है, विच इनेबल्स अस टू बिकम प्रोएक्टिव वीमेन, एंड देन हम इस तरह के सेक्टर में काम करें। तो आई थिंक आई वुड ऑलवेज गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई फैमिली, और जब उनका कोऑपरेशन होगा आई नेचुरली फील सो एम्पावर्ड। इतनी बड़ी पोस्ट है आपके पास और बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसान इंजॉय भी करता है अपनी अथॉरिटीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कितना चैलेंजिंग है इस पोस्ट को लेकर करना और काम करना? आई थिंक ये बहुत यूनिक पोस्ट है, चैलेंजिंग डेफिनेटली है, लेकिन आई थिंक चैलेंज तो हर जगह ही होता है, और अगर चैलेंज है तो साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, तो इट इज़ अ सेंसिटिव असाइनमेंट इन द सेंस कि वी आर डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन। यार ये क्या हो गया एकदम से, या मैंने ये क्या कह दिया, क्योंकि जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन की बात है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है, तो कभी घबरा जाती हैं अपनी जॉब से कि ये बड़ी टफ है? अभी तक ये सीन नहीं हुआ। अच्छा, बट इट्स गोइंग गुड सो फार। सेफ सिटी आके कैसा लगा? आपने पंजाब सेफ सिटी का सारी डिपार्टमेंट का विजिट किया, कितने सेटिस्फाई हैं आप? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और नॉर्मली जैसे हम सबको लगता है कि एक परसेप्शन डिवेलप हुआ हुआ है कि शायद बहुत फॉरवर्ड लुकिंग इदारे गवर्नमेंट में नहीं और वो स्नेल पेस पे काम करते हैं, तो दिस इज़ लाइक अ ट्रूली अ न्यू इंट्रोडक्शन कि एक फास्टेस्ट सर्विस डिलीवरी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉट ऑफ कोऑपरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द फॉर्चुनेट ऑर्गेनाइजेशन कि पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक बिग क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्ट्रेइंग इट टू द पीपल। अच्छा, पहले आपको पंजाब पुलिस के लेके क्या इमेज था, और जब आपने विजिट किया क्या इमेज आपका चेंज हुआ थोड़ा सा? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा पहले भी इमेज बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक आफ्टर विजिटिंग सेफ सिटीज अथॉरिटी वो री इन्फोर्स हुआ है, बिकॉज आई एम बींग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई ट्रूली बिलीव कि पाकिस्तान माशाल्लाह जितनी तरक्की कर रहा है उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है। बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने एक ख्वातीन को महफूज जो माहौल देने के लिए और हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट करने के लिए एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई, वीमेन सेफ्टी ऐप, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आई थिंक ऐप्स का इस्तेमाल तो अब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नियरली 80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐप्स का ये फ़ायदा है कि वो आपके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर भी ऑपरेट हो सकती हैं, तो आपके जो बेनिफिशरीज हैं उनका नंबर बहुत बढ़ सकता है, और वैसे भी चूंकि वुमेन नाउ इन पाकिस्तान आई थिंक मोस्टली यूज़ फोन, तो इस ऐप को वो अपने फ़ोन के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगी उन खवातीन को जो आपको देख रही हैं? आफ्टर वर्किंग फॉर नियरली 15 ईयर्स इनटू द गवर्नमेंट जॉब, आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक तो खवातीन को आगे आना चाहिए, और अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं तो उनका एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आप पब्लिक सेक्टर में आके कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपकी सोच प्रोग्रेसिव है, आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप अगर काम करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो आई थिंक जितने लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जिनकी फैमिलीज हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम मस्ट सपोर्ट देयर डॉटर्स, सिस्टर्स और वाइफ्स टू कम फॉरवर्ड। अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें दे के उनको पैदा किया है, अगर उसका कुछ वक्त वो दे सकें और उसको अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत में सर्व कर सकें, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फॉर इन्वाइटिंग मी।